कौन सी जगह है? ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है। वाओ पूजा, जो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं मैं उन्हें ही यहाँ लाता हूँ, और तुम वो पहली लड़की हो। सो इम्प्रेसिव। बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी आया। पूजा, वाओ पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है सूर्या। ये मैंने दिल से तुम्हारे लिए बनाई है, आई होप तुम समझ रही हो। तुम्हारे रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। अगर जानना है तो कल मॉर्निंग में नोवोटेल 10 बजे। क्या बात है सूर्या, ऑल ओके? मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में आई लाइक यू से आई लव यू में शिफ्ट होने जा रहा हूँ। ये कब हुआ? कल मॉर्निंग 10 o'clock नोवोटेल। कितने सपने देखते हो तुम, कल सुबह संभल के जाना। तू जाना, चल्लू कहीं की, चल जा। तुम चाहे जहां भी जाओ लेकिन आओ कि मेरे पास ही। कल मैं भी नौ चलाऊंगी। हाय सूर्या। हाय। आई एम ग्लैड तुम आए। कुछ स्पेशल है क्या? हाय, हेलो, नमस्ते। आज वैलेंटाइन डे स्पेशल है। वेलकम टू वैलेंटाइन डे स्पेशल। आज आने वाले 25 ब्यूटीफुल कपल्स को हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज का ये इवेंट बहुत सिंपल है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी। हम सबकी बॉडी में 5 senses होते हैं। आईज विच कैन सी, नोज विच कैन स्मेल, माउथ विच कैन टेस्ट, ईयर्स विच कैन हियर, टच विच कैन फील। पर एक दूसरे को पहचानने वाली प्राइमरी सेंस होती हैं आंखें। उन्हीं आंखों में पट्टी बांधकर आप सबको इस रूम में छोड़ दिया जाएगा और लाइट्स ऑफ कर देंगे। यूजिंग योर अदर सेंसेस यू ऑल हैव टू फाइंड योर लव्ड वन। ये क्या बकवास कर रहा है? टच, हम पैदा होते ही चाहे जिसे भी देखें हम दुनिया में सबसे पहले अपने माँ का ही हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि अपनी आंखें सुंदरता को निहारती है और हमारा मन प्यार को तलाशता है। इसे ही कहते हैं ट्रू लव। आप सभी कपल्स अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाइए, सारे लड़के इस तरफ और लड़कियां उस तरफ, जल्दी कीजिए। हाँ, चलो मिलते हैं बाद में। जाओ जाओ, जीतेंगे। ऑल द बेस्ट सूर्या। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पता नहीं क्या होगा। हाँ चलो। भगवान, मुझे लगा था आपने बिना प्रार्थना किए वरदान दे दिया, तो फिर सब सेट होने के बाद ये आंख मिचोली खेलने का क्या मतलब? पट्टी बांधकर अपने प्यार को ढूंढो। सब समझ रहा हूँ मैं, सिर्फ आप परेशान कीजिए। लाइट्स ऑफ, म्यूजिक। यहाँ इतनी सारी लड़कियों में पूजा को कैसे पहचानूंगा? कहाँ है पूजा? अरे कहाँ है पूजा? अरे सॉरी, पूजा कहाँ हो? कोई भी हो तुम। अरे, अरे, अरे छोड़ो मुझे, आओ ना। मैं वोट पर नहीं हूँ, छोड़ो। हे पूजा, आई लव यू। पूजा, देखा मैंने पूजा को ढूंढ लिया। हेलो, थैंक यू। थैंक यू। पाठशाला में गुरन ने चोरी की तो उसे जाकर बाद में सजा मिली, वो तो सतयुग था। इस कलयुग में तूने उसका पीछा क्यों किया? बस करो ना पापा, एक तो वैसी टेंशन में हो कि मुझे आखिर मारा किसने? मेबी उस चर्च के फादर ने मारा होगा। अरे ये क्या चीज़ है? तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, जूस पियो। नहीं चाहिए माँ। आपकी वजह से इतने बलावा मिलता है आंटी दी। तेले तात बिल्कुल ठीक हुआ तुलिया। हीलो बनता है। ए उदय, पापा जाओ। ये लड़की कौन है? पापा जाओ ना प्लीज। तू नहीं सुधरेगा, जाओ ना आंटी। कभी नहीं सुधरेगा, चलो तुम लोग। रोमांस करने आए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मेरे पापा बहुत खतरनाक हैं। फिर भी तुमने इस बात को लाइटली लिया। लाइट और फैन के लिए थोड़ी ना प्यार किया था। टाइम क्या हो रहा है? 11। कल सेम टाइम पर तुम आ जाना। फिलहाल तुम निकलो, 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 बोला ना।
कुछ दिन पहले विशाखापट्टनम में हमारी कहानी शुरू हुई है। हमारी कहानी के हीरो का नाम है सूर्या। सूरज की किरणों की तरह वो तेजी से कहीं भी चला जाता है, हर सिचुएशन को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है, पर प्यार के मामले में अपनी मंजिल ढूंढता ही रहता है। प्यार के लिए प्यार के आगे ही सरेंडर हो जाता है। इसी तरह हमारी कहानी की हीरोइन का नाम है अनन्या। बचपन से ही अपनी माँ को खोने की वजह से अपनी हर फीलिंग समंदर से शेयर करती है। वो सीता जैसी बड़ी शांत स्वभाव की है, लेकिन प्यार के विषय में वक्त ही अपना फैसला करेगा सोचकर सब कुछ वक्त पर ही छोड़ देती है। इन दोनों के बीच की प्रेम कहानी ही है हमारी एक अनोखी प्रेम कहानी। हे भगवान, मैं हर साल कोशिश करती आ रही हूँ। अगर इस साल मुझे मोती मिल जाएगा तो मैं सूर्या से अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। सुबह सुबह बीच समंदर में तुम किसे याद कर रही हो? सूर्या कौन है? चलो चुपचाप नाव चलाओ। ओह, थैंक्स दादी माँ। ध्यान से बेटी, माँ की रिंग है। बचपन से लेकर अब तक मैं तेरी माँ बन पाई या पता नहीं, लेकिन मेरा तो सब कुछ तेरा ही है बेटी। आपके लिए कॉफी। सुबह सुबह कहाँ चला गया ये? जॉगिंग के लिए गया होगा। हा? कौन सी लड़की के साथ? एक बात बोल, इसके सुसाइड को हम फेसबुक पे लाइव कर देते हैं, बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। अरे लड़की, उतर नीचे। सुनो, तुम्हारी डिमांड्स क्या है हमें बताओ, हम उन्हें पूरा करेंगे। मेहरबानी करके नीचे आ जाओ प्लीज। फिलहाल आप जिस लड़की को देख रहे हैं वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। ये लड़की प्यार में फेल हुई है या एग्जाम में, इसका हमें पता नहीं है। मुझे तो लगता है लड़की आज कूद के ही रहेगी। नहीं यार, ये बिल्कुल नहीं कूद सकती, पक्का। अच्छा, है लगी 5,000 की शर्त, कूद जाएगी। चल 10,000 की, चल लग गई, पक्का लग। लड़की नहीं कूदेगी मानने वाले नो, और कूदेगी मानने वाले यस कहकर अपनी राय इस नंबर पर भेजें। अरे सुनो, कूदना मत। ए कूदना नहीं, हाय। कौन हो तुम? तुम्हारी आंखें हैं या कोहिनूर का हीरा? मेरा फिक्स है, मुझसे दूर रहो। सेट हो गया अपना। वैसे तुम लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करती हो, हाँ बोलो ना, या फिर लव एट सुसाइड पर? ए, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, छोड़ो। चलो साथ में कूदते हैं। पकड़ने पर छोड़ने बोलती हो, छोड़ने पर पकड़ने बोलती हो। तुम्हारे लाइफ में तो क्लैरिटी नहीं है, तो एटलीस्ट मरते वक्त तो होना चाहिए ना, एम आई राइट? साथ में कूदते हैं। डर तो नहीं लगा? सुनो, लॉजिक के मुताबिक तुम ऑलरेडी मर चुकी हो, पर मैंने तुम्हें बचा लिया, तो अब से मेरा हक है तुम पर। ओए, याद रखना, मेरा नाम सूर्या है, आर्किटेक्ट। तुम्हारे लव एट फर्स्ट साइट के जवाब का मैं फेसबुक पे वेट करूंगा। माँ, माँ, क्या बात है, आज आपके पति ने इतनी जल्दी काउंटर शुरू कर दिया? हा? सुन, जानकी आंटी अपने घर आई थी बेटा। अरे जानकी आंटी,
वो जब भी आती है ये कुछ ना कुछ सीन क्रिएट करते हैं। ये एक बहुत लंबी कहानी है। ऐसा क्या? तो बिगिनिंग और कंक्लूजन दोनों को एक ही साथ में बता दो। बेटा वो तुम्हारे पापा की चाइल्डहुड फ्रेंड है। ओ, तो बचपन का प्यार है, मतलब आप उनका दूसरा प्यार हो? चल हट। वो तो उनका क्रश था, सच्चा प्यार मैं हूँ। ओहो, आपकी स्टोरी में भी तगड़ा क्लाइमैक्स है। इन्होंने बताने में लेट किया और वो वेट करने को तैयार नहीं थी। अच्छा, इतनी गहरी स्टोरी है। तो माँ, ये सब देखकर आपको जलन नहीं होती? जलन हो रही है, इसलिए तो अंदर आके काम कर रही हूँ। इनकी भी अलग ही कहानी है। पता चल गया मुझे। माँ ने बताया क्या? जिंदगी में कुछ चीजें लिखी नहीं होती हैं बेटा। आपको इतनी दारू काफी होगी, और मंगवाऊं? वो क्या है कि आप फ्लैशबैक में हो ना, इसीलिए मैं ही खुद जानकी आंटी बन के पापा को प्रैंक कॉल करता हूँ। मजा आएगा। सूर्या, आप पापा? जानकी है बेटा, अभी बात करके आता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो जानकी, हेलो हेलो हेलो, कट हो गया, सिग्नल सही नहीं है बेटा। आई नो। अरे ये मेरा पैक कहाँ चला गया? पापा, फ्लैशबैक में इतनी शराब पी ली कि प्रेजेंट में याद ही नहीं है। अच्छा? हाँ, बस 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 पापा, क्या बस है रे? पीना मुझे है ना। पापा देखो, फिर से फोन। फिर से कट हो गया, ये सिग्नल भी सरदर्द हो चुके हैं। पी मैं रहा हूं और झूल तू रहा है? ऐसा नहीं है पापा, वो जानकी के इफेक्ट से नशा मुझे चढ़कर तुझे झुला रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सही कहा पापा, एकदम सही कहा, लगता है आप प्रेजेंट में आ गए। लव यू पापा। एक तरफ जानकी और दूसरी तरफ उसकी चुम्मी मुझे मार डालेगी। हाय पापा। हे व्हाट्स अप माय बेबी, कैसी हो बेटी? पापा मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो बेटी। मैं सूर्या को प्रपोज करने वाली हूँ। शादी में तो बुलाओगी ना पापा? अनन्या। पापा। हाँ। लगता है सूर्या आ गया। जरा फोन दो उसे। अनन्या तुम यहाँ बैठी हो? पापा बात करना चाहते हैं। पापा है? हाय अंकल। हाय बेटा। अंकल आपको एक बात बतानी है। हाँ बताओ। आज मुझे मिली पूजा। ओहो, क्या लगती है अंकल, वो लड़की नहीं है। पेंटिंग, पेंटिंग ही है। आपको मेरी शादी में जरूर आना पड़ेगा अंकल, आओगे ना अंकल? अपनी लाइफ सेट है, सेट है अंकल। अनन्या से बात करो, मैं गिर रहा हूँ। पापा ये ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन सही टाइम देकर बोल दूंगी। तुम उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हो, और वो है कि दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है, ये सब क्या है बेटी? चाहे सूर्या जहाँ भी जाए वो रहेगा सिर्फ मेरा ही पापा। प्यार का मतलब है खोजना, और जब वो किसी को खोजेगा तो उसे बस मैं ही मिलूंगी। बाय पापा, टेक केयर। बाय बेटी। अपने प्यार का इजहार मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, ताकि तुम समझ जाओ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। क्या बात है, नई जिम्मेदारी आ गई? पैसे कमाने का भूत चढ़ा है पापा। मजाक कर रहा है गधा। पैसे कम पड़ रहे हैं या लड़कियां कम पड़ रही हैं? तेरे लास्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स थे? मेरे बारे में क्या पूछ रहे हो? याद करिए। हाँ याद करते रहे। फूल, ये फूल मेरे लिए कौन रख के जाता है? गीता? आहा। जैसी? आहा। गायत्री? आहा। मेरे चाहने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, ये क्या ऊपर वाले, पहली बार इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और अब ये ट्विस्ट।
लगता है मैं ऑफिस में जाकर काम करूँ या आप भी नहीं चाहते हो। मलेशिया कैसा है यार? लुकना बताता हूँ। अरे रवि क्या यार तू कब लौटा मलेशिया से? हटना भाई मेरी दादी होने वाली है। जॉइंट फैमिली है ना? हाँ है ना भाई। क्या बात है भाई। अरे यार रवि बाइक पंचर हो गई है, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा भाई। मुझे लड़की देखने के लिए जाना है। ए जॉब मिलते ही ग्रैंड पार्टी दूंगा तुझे। पार्टी तू देगा उसके बाद भी ताला कलता मुझे उतारने पड़ेगा मैं जानता हूँ। अरे अरे भाई सुना बहुत काम है। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ मैं, प्लीज ड्रॉप कर दे यार। भाई बहुत काम है, बाद में मिलते हैं। भाई आज लगता किस्मत ही खराब है मेरी। हे अनन्या आज इंटरव्यू ड्रॉप कर देना यार। लेकिन मेरा एग्जाम है एक घंटे में। ऐसा मत बोलो यार, तुम मेरे लिए लकी हो अनन्या, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझे ड्रॉप कर दिया ना तो पक्का जॉब मिल जाएगी। चलो 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 लेट्स गो। पता है पता है पता है। यस देखो बेटा ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है ना? अच्छी है अच्छी है। ये फैमिली थोड़ी ट्रेंडी फैमिली है। देखो बंदी दी सबसे इम्पोर्टेंट है फैमिली, अब वो ट्रेंडी हो या ना हो मेरे लिए तब चलता है। ठीक है ठीक है चलो। यही बात तो अच्छी है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। दूल्हे को लेकर आया हूँ। अच्छा हाय रवि, नाइस टू मीट यू। तुम्हारी फोटोज देख चुका हूँ। लड़की के पिता है। नमस्ते तल। पंडित जी ने तुम्हारे बारे में बताया, जॉइंट फैमिली में शादी करना, इट्स रियली अ नाइस थॉट। लड़की तो एकदम झकास है। ये लड़की नहीं है तो बली बहन है। नो 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 नो, शी इज माय गर्लफ्रेंड। हम 3 साल से एक साथ रह रहे हैं। आंटी दी गुदल गई क्या? नो 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 नो, वो यहीं पर है घर में। आ? 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 वो भी अपने फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है 4 साल से। अच्छा? राधा राधा। वो राधा है, वो आएगी ना देख लेना। हाय बेबी, यही बेबी है और कोई बेबी नहीं है। नमस्ते आंटी। नमस्ते स्वीटी, ये रवि है, कल बताया था ना। ओह हाय, मिला पलाम। देखा है लड़का कितना संस्कारी है। बेटी लड़का पसंद आया? यो दबा जी, पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाऊं? आपसे मिल लिया तो बाकी फैमिली को क्या देखना अंकल जी। अच्छा दोनों को अकेले में बात करनी? नहीं, नहीं अकेले नहीं मिलना, खत्म थे। स्वीटी लड़का शर्मा रहा है, बाहर लेकर जाओ बेटा। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। दरअसल वो क्या है ना, मेला एक तपना है। राहुल आर यू मैड? कितनी बार बोलूं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। नो राहुल, तुम्हारा ये नेचर अब बर्दाश्त नहीं होता। ऑलरेडी मेरा होने वाला हस्बैंड मेरे सामने है। व्हाट? मेरे हस्बैंड को तुम उल्लू बोल रहे हो? वो भले ही उल्लू होगा, पागल होगा, बेवकूफ भी होगा, चाहे कैसा भी होगा, मैं तो इसी से शादी करूंगी। डोंट कॉल मी अगेन, बाय। सॉरी वो आप कंटिन्यू करिए, आप कुछ सपने की बात कर रहे थे। वो राहुल जस्ट पासिंग क्लॉक। 6 months पहले मैं और राहुल लिविंग रिलेशनशिप में। क्या लिविंग में थे? मेरे हिसाब से शायद 7 महीने। ही इज वेरी एरोगेंट। राहुल दी होंगे, कोई बात नहीं बात कर लीजिए। राहुल नहीं विक्रम है। ये विक्रम कौन है? लड़कियां प्यार में फंसने से पहले कुछ कंफ्यूज रहती हैं, लेकिन आजकल ये सब कॉमन है ना। कम ऑन आप अपने और अपने सपने के बारे में बताइए। दलतल वो 7 महीने लिव इन निलेतन में रहेगी तो उल्टी तो होगी ही ना, अब क्या करूं? कांग्रेचुलेशंस यार। बेटा फूड पॉइजन हो गया होगा। फूड पॉइजन नहीं है, पूरी फैमिली पॉइजन है। मैंने सोचा था मेरी दादी हो जाएगी, लेकिन आप तो मेरी बर्बादी करने पे तुले हुए हैं। बात वो नहीं है, असल में बस मिला नहीं कर मेरी दादी। हाँ रुको रुको रुको, आगे देखो, हाफ एन आवर में इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, उसके बाद 15 मिनट्स में तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ओके हे वेट फॉर मी, जल्दी जाओ ना। सेम फ्लोर है। सही है यार, इस ऑफिस का आवाज तो बहुत मस्त है। ए, अंदर कहाँ जा रहे हो? इंटरव्यू के लिए आया हूँ। वो कब का खत्म हो गया, जाओ यहाँ से। लाइफ में पहली बार इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, ये सुनने के लिए नहीं आया हूँ। और वैसे भी तेरी शक्ल देख के तेरी बात मानने का मन भी नहीं कर रहा। बड़ा सर, 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 मुझे डांटेंगे, जाइए यहाँ से।
अगला आदमी इसे पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी, यस, एचआर का रूम कहाँ है? लेफ्ट साइड में। ओके। डार्लिंग, तुम यहाँ? ओ, तो तुम ही हो एचआर? क्या चाहिए? इंटरव्यू। आउट। अरे मगर ये क्या? इंटरव्यू इज ऑलरेडी ओवर। यहाँ वर्क करने के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट चाहिए, साथ में वॉच का टाइम जानने वाला भी। डार्लिंग, ये वॉच के चक्कर में तुम टैलेंट गवा रही हो। हेलो, हाँ सर, आ रही हूँ सर। हे, चलो जाओ यहाँ से। क्यों बुला रहे होंगे, क्या बोलेंगे क्या पता। एक्सक्यूज मी सर। कम इन, इट्स बीन अ मंथ नाउ, किसी के पास सही डिजाइन नहीं आया है। वो गोवा का रिजॉर्ट कितना प्रेस्टीजियस है हमारे लिए, मैंने बताया था ना तुमको। At any cost I want to take that deposit. Now hurry up and do something. नहीं तो मैं सबको डिसमिस कर दूंगा। किसी को भी जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है। They are regular clients. We should give them service. तुम्हें पता है शाम होने से पहले तुम्हें क्या करना है? वो डिजाइन मेरे टेबल पे होना चाहिए। Hi sir. Good morning. ये यहाँ क्यों आ गया? Who are you? वो सब छोड़िए सर, पहले ये पेंटिंग देखिए, आपका बीच रिजॉर्ट। ये रहा फ्रंट व्यू और ये बैक व्यू। एक्सीलेंट प्लान, ये आइडिया तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे सिर्फ दो ही चीजें पसंद है सर, एक तो कला, दूसरी चंद्रकला। कला यानी आर्ट, पर ये चंद्रकला कौन है? अरे लड़की है सर, लड़की। वैसे इन्हें किसने रेफर किया? मुझे, एचआर ने सर। क्यों एचआर, बताया नहीं इन्हें? मैं नहीं सर। टैलेंटेड बॉय, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके इसे केबिन दिखा दीजिए। ऑल द बेस्ट यंग मैन। थैंक यू सो मच सर। तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारी केबिन से चला गया ना? आहा, मैं चले जाने वालों में से नहीं हूँ, वेट करके कमाल दिखाने वालों में से हूँ। वैसे मुझे कहाँ डेरा जमाना है? डेरा? अरे मतलब केबिन कहाँ है? अच्छा केबिन, स्ट्रेट जाकर अच्छा, लेफ्ट। वो सब छोड़ो, कॉफी पीते पीते तुम्हारे और ऑफिस के बारे में सब जान लूंगा। सूर्या, ऑफिस टाइम में कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी लंच ब्रेक है ना, जल्दी आ जाएंगे। हेलो, एग्जाम देने क्यों नहीं आई तुम? कुछ नहीं यार, सूर्या को इंटरव्यू के लिए ड्रॉप करने आई हूँ। ड्रॉप करके आ सकती थी ना? नहीं यार, लाइफ में पहली बार जॉब मिलने पर उसके चेहरे की खुशी देखने के लिए वेट कर रही हूँ। ये क्या पागलपन है, तुमने एक मोमेंट के लिए 6 मंथ्स बर्बाद कर दिए। तुम्हें सिर्फ 6 मंथ्स का एग्जाम दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में एक पल भी उसके बगैर नहीं रह सकती, समझी तू? हाँ समझ गई, और तुम एक साइकियाट्रिस्ट के पास हुआ, बाय। बाइक भी नहीं है, इतनी सुबह सुबह सूर्या कहाँ चला गया? अपने कॉलेज के दिनों में मैं और जानकी इसी स्कूटर पर घूमा करते थे। क्या दिन आ गए। मैं कॉलेज जा रही हूँ दादी माँ। ठीक है बेटी। अंकल, सूर्या को आपने देखा क्या? रोज पहले मैं उठकर उसे उठाया करता था, आज वो पहले उठकर मुझे उठाकर चला गया। क्या बात है अंकल, ऐसा लगता है ये स्कूटर तो आपको बहुत पसंद है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। दहेज में मेरे घर से स्कूटर आने वाला था, मगर ये एक ही रट लगाए हुए थे, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। दामाद बड़े होनहारे समझकर उन्होंने तुरंत मेरी शादी इनसे करवा दी। अब तुम बस भी करो, तुम जाओ बेटी। ओके बाय आंटी, बाय 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 बाय। इज्जत का फालूदा करती हो, तुमको समझाओ बेटी। कॉफी पीजिए मम्मी। देखो पता चल जाएगा।
तुमने बनाई है? हाँ वो मैंने ही बनाई है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। कॉलेज के सीनियर ने बनाने बोला तो बना दिया। अब कोई कुछ भी बोलेगा तो कर दोगे क्या? जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूँ, तुम्हें पता है ना। सुनो अभी तुम फोन रखो, वरना मैं किसी को फोन लगाने के लायक नहीं बचूंगा। अनु आई लव यू, वो तस्वीर मैंने ही बनवाई थी। चल जा तू। अब अनु सर फ्लावर्स। ए सुन। हाँ सर। क्या बात है, ऑफिस में आते ही फ्लावर्स दे रहे हो, कहीं तुम बिस्कुट तो नहीं हो? हाँ नहीं सर, मैं बिस्कुट नहीं हूँ, एक लड़की ने आपको देने। अच्छा, के लिए बोला है। ने? वो बाहर लॉबी में आपका वेट कर रही है। अच्छी बातें करना सीख गया तू। लगता है लव एट फर्स्ट साइट वाली लड़की को मुझसे आखिरकार लव हो ही गया है। वाह सूर्या, तेरा जवाब नहीं। लेट्स डू इट सूर्या। मैंने शायद आपको कहीं देखा है, लेकिन मैं तो आपको कभी नहीं भूल सकती। हाँ अच्छा, उस दिन छत पर। ओ, याद आ गया। या। बैठो बैठो। आपने उस दिन थोड़ा डिस्टर्ब किया तो मुझे ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। आपकी बातों पे उस दिन गौर किया तो मुझे थोड़ी हेल्प मिली। ओह रियली? आप अगर बुरा ना मानो तो मैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। ये है ना तुम्हारी कार? नहीं नहीं वो नहीं, ये है। ये वाली बेंज है? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बैठो। हे भगवान, मुझे लगा था आपने सिर्फ सुंदर और सुशील लड़की भेजी है, लेकिन ये तो टू मच हो गया। इसके पास तो इतना पैसा है कि मेरी तीन पुश्तें खा सकती है। भगवान आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। कार अच्छी चला लेती हो। वैसे अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में जान सकता हूँ क्या? अरे माना, उस दिन मैं सुसाइड करने जा रही थी, लव में फेल होने की वजह से नहीं, लाइफ में फेल होने से। ऐसा? लेकिन सीधा सुसाइड? सूर्या मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं, इंसानों से कहीं गुना ज्यादा उन्हें पैसों से प्यार है। लाइफ में पीछे मुड़कर देखने पर मेरे लिए जीने वाली कोई बात या मेरी कोई याद ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे उस पल ऐसा लग रहा था। जो फैसला लिया वो अच्छा ही लिया था, वरना आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ थोड़ी बैठा होता। या करेक्ट, इसीलिए सोचा तुमसे बात करके अच्छा लगेगा और इसी बहाने मैं तुमसे थैंक्स बोल पाऊंगी, इसीलिए तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ गई। इसमें ढूंढने वाली क्या बात है, जरा अपना फोन देना। अपना नंबर फिट कर दिया है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। डैडी का कॉल आया है, विल सी यू लेटर। ओह अंकल हैं। बाय बाय। हेलो डैडी, या आई एम ऑन द वे। ये हमारे लेटेस्ट प्रोजेक्ट के अपडेट्स हैं, अप्रूव कर सकते हैं सर। हाँ सर। हमें एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिलने वाला है चर्च कंस्ट्रक्शन का, बजट की चिंता बिल्कुल मत करना, लेकिन डिजाइन ब्यूटीफुल होना चाहिए। श्योर सर। तुम एक बार वुड हाउस चर्च देखकर आ जाओ, तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा। बजट की चिंता नहीं है तो स्पेन भेजो ना। व्हाट? हाँ नथिंग सर, नथिंग, मैं समझ गया सर, देख कर आता हूँ। देन कैरी ऑन। जेसी के फादर, फादर मेरा नाम सूर्या है, मैं अपना पाप कन्फेस करना चाहता हूँ फादर। इसके लिए तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ बेटा, बोलो क्या बात है? मैं अपने मन में ही एक लड़की के साथ ब्रेकअप करके दूसरी लड़की के साथ फ्यूचर देख रहा हूँ फादर। ओह, अपनी आंखें बंद करके उस प्रभु से माफी की प्रार्थना करो बेटा। नहीं फादर, मैं अपनी आंखें खोलकर आपसे ही माफी मांगना चाहता हूँ। मुझसे क्यों बेटा? क्योंकि मैंने ब्रेकअप आपकी बेटी जैसी से ही किया है फादर। प्रभु! पता नहीं क्या हो गया मुझे, जहाँ देखो पूजा दिख रही है। क्या हुआ, देखकर भी अनजान बन रहे हो? सॉरी, मैंने तुम्हें यह एक्सपेक्ट नहीं किया था, हरदम तुम्हें ही सोचता हूँ, तो सोचा कि ये मेरा वहम होगा। क्या बात है, डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या? बहुत ज्यादा। अच्छा, अरे वैसे मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कॉल किया तो तुमने आंसर नहीं किया, ऑफिस में फोन किया तो उन्होंने बताया तुम यहाँ कुछ काम से आए हो, मेरे अंदर आने से पहले तुम खुद ही बाहर आ गए। अच्छा हुआ ये अंदर नहीं आई, वरना मेरे सारे पोल खुल जाते हैं। क्या? कुछ नहीं। कहीं घूमने चले क्या? चलो तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ।
बैठो। ये पहन लो। तुम उस लड़की को जानते हो क्या? हेलमेट देते वक्त जान पहचान कर लूंगा। ये कौन सी जगह है? ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है। वाओ। पूजा, जो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं मैं उन्हें ही यहाँ लाता हूँ, और तुम वो पहली लड़की हो। सो इम्प्रेसिव। बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी आया। पूजा, वाओ, पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है सूर्या। ये मैंने दिल से तुम्हारे लिए बनाई है, आई होप तुम समझ रही हो। तुम्हारे रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। अगर जानना है तो कल मॉर्निंग में नोवोटेल 10 बजे। क्या बात है सूर्या, ऑल ओके? मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में आई लाइक यू से आई लव यू में शिफ्ट होने जा रहा हूँ। ये कब हुआ? कल मॉर्निंग 10 o'clock नोवोटेल। कितने सपने देखते हो तुम, कल सुबह संभल के जाना। तू जाना, चल्लू कहीं की। चल जा। तुम चाहे जहां भी जाओ लेकिन आओ कि मेरे पास ही। कल मैं भी नौ चलाऊंगी। हाय सूर्या। हाय। आई एम ग्लैड तुम आए। कुछ स्पेशल है क्या? हाय, हेलो, नमस्ते। आज वैलेंटाइन डे स्पेशल। वेलकम टू वैलेंटाइन डे स्पेशल। आज आने वाले 25 ब्यूटीफुल कपल्स को हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज का ये इवेंट बहुत सिंपल है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी। हम सबकी बॉडी में 5 senses होते हैं। Eyes, which can see, nose, which can smell, mouth, which can taste, ears, which can hear, touch, which can feel. पर एक दूसरे को पहचानने वाली primary sense होती हैं आंखें। उन्हीं आंखों में पट्टी बांधकर आप सबको इस रूम में छोड़ दिया जाएगा और lights off कर देंगे। Using your other senses, you all have to find your loved ones. ये क्या बकवास कर रहा है? Touch. हम पैदा होते ही चाहे जिसे भी देखें, हम दुनिया में सबसे पहले अपने माँ का ही हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि अपनी आंखें सुंदरता को निहारती है और हमारा मन प्यार को तलाशता है। इसे ही कहते हैं ट्रू लव। आप सभी कपल्स अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाइए। सारे लड़के इस तरफ और लड़कियां उस तरफ। जल्दी कीजिए। हाँ, चलो मिलते हैं बाद में। जाओ जाओ, जीतेंगे। ऑल द बेस्ट सूर्या। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। पता नहीं क्या होगा। हाँ, चलो। भगवान, मुझे लगा था आपने बिना प्रार्थना किए वरदान दे दिया, तो फिर सब सेट होने के बाद ये आंख मिचोली खेलने का क्या मतलब? पट्टी बांधकर अपने प्यार को ढूंढो। सब समझ रहा हूँ मैं, सिर्फ आप परेशान कीजिए। लाइट्स ऑफ, म्यूजिक। यहाँ इतनी सारी लड़कियों में पूजा को कैसे पहचानूंगा? कहाँ है पूजा? अरे कहाँ है पूजा? अरे सॉरी, पूजा कहाँ हो? कोई भी हो तुम, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। पूजा, आई लव यू। पूजा, देखा मैंने पूजा को ढूंढ लिया। हेलो, थैंक यू। पाठशाला में गुरन ने चोरी की तो उसे जाकर बाद में सजा मिली, वो तो सत्युग था। इस कलयुग में तूने उसका पीछा क्यों किया? बस करो ना पापा, एक तो वैसी टेंशन में हो कि मुझे आखिर मारा किसने? मेबी उस चर्च के फादर ने मारा होगा। अरे ये क्या चीज़? तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, जूस पियो। नहीं चाहिए। आपकी वजह से इतने बलावा मिलता है आंटी दी। तेले तात बिल्कुल ठीक हुआ तुलिया। नीलो बनता है। ए उदय, पापा जाओ। ये लड़की कौन है?
पापा जाओ ना प्लीज। तू नहीं सुधरेगा, जाओ ना आंटी। कभी नहीं सुधरेगा, चलो तुम लोग। रोमांस करने आए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मेरे पापा बहुत खतरनाक हैं। फिर भी तुमने इस बात को लाइटली लिया। लाइट और फैन के लिए थोड़ी ना प्यार किया था। टाइम क्या हो रहा है? 11। कल सेम टाइम पर तुम आ जाना। फिलहाल तुम निकलो निकलो निकलो, बोला ना। निकल जाओ यहां से। ए, सीरियल में देखकर रोना बहुत हो गया, अब सही में रोने के लिए तैयार हो जाओ, चलो। कौन है रे तू? मैं वो हूं जिसके एक मुक्के से माइंड ब्लॉक हो जाता है, और अब तुम्हारा होने वाला है। भाई कैसा लगा? क्यों भाई, तैयार हो ना? मैं पागल हो गया क्या? मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ और येड़ा भी हूँ, समझा? हमारे एरिया में आके हमसे पंगा ले रहा है। कौन है तू? खुद को हीरो समझ रहा है? ए, मारो इसे। जो ताकतवर है वो अकेले को मारता है, पर जिसके पास दिमाग है वो 100 को मार सकता है। बकवास करता है तेरी। अरे बहुत झटके लग रहे, क्या कर रहे हो? मारो ना तुम लोग। मेरा बस चलता तो जलती आग में फेंक देता। मेरी किस्मत अच्छी है जो सिर्फ झटके ही पड़ रहे हैं। तू कहाँ भाग रहा है? एक अर्जेंट फोन आया है भाई, बात करके आता हूँ भाई। हाँ जाने भी दो ना भाई, मुझे पता नहीं था कि आप इतना मारोगे, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया भाई, गलती हो गई, माफ कर दो भाई। अच्छे इंसान से पंगा लोगे तो माफ करेगा, बुरे से लोगे तो मार देगा, पर अगर मुझसे पंगा लिया ना तो चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है भाई? खुद का है, क्यों नहीं हो सकता? क्या क्यों नहीं हो सकता भाई? एक चीज बताता हूँ, सब लोग जमा हो जाओ यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ। आया भाई, चलो भाई उठो। सब आ गए ना? हाँ भाई सब आ गए भाई। जो सच्चा प्यार करते हैं वो जमाने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। चलो बोलो। जो सच्चा प्यार करते हैं वो जमाने से बिल्कुल नहीं डरते। करेक्ट, ये मैसेज पूरे समाज के लिए है। आज सूर्या को आई लव यू बोलने जा रही हूँ मैं। जब से मैंने होश संभाला है ना, तब से कितनी बार चाहा है कि मैं उसे ये बोल दूं। लेकिन उसे समझ में आए तब ना। मेरा सूर्या बहुत ही भोला है। मुझे हिम्मत देने वाला ये मेरा दोस्त आज इतना डल क्यों लग रहा है मुझे? आज मैं उसे बोल दूंगी बाय। सूर्या घर पे होगा या नहीं? रिलैक्स। पापा? यस। आप सूर्या के घर पे क्या कर रहे हो? मुझे बताया भी नहीं। सरप्राइज। फर्स्ट टाइम मेरी बेटी अपने प्यार को प्रपोज करने जा रही है, उसकी इस खुशी के मौके पर मैं ना रहूं, ये कैसे हो सकता है? ठीक है पता है। कम, सूर्या घर पर नहीं है, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसके लिए तुम क्या लाई हो? इट्स अ सरप्राइज। ए, मुझे तो बता सकती हो ना? अनन्या,
आज कोई स्पेशल बात है? सरप्राइज है आंटी, कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है। कॉल हिम। अरे कॉल तो करो। ओके। क्या बात है, आज सुबह से पूजा का एक कॉल नहीं आया। कॉल तो छोड़ो, मैसेज भी नहीं आया। चलो मैं ही कर लेता हूँ। अरे बीच में अनन्या कहाँ से आ गई? कट कर दिया उसने। इट्स ओके, कॉल अगेन। पूजा, उसका फोन बिजी आ रहा है। इट्स ओके, रिलैक्स। या फोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा है? फिर से ट्राई करता हूँ। क्या हुआ बेटी? अनु, इस समय वो कहीं बिजी होगा। लेट्स वेट। अब पांडिचेरी के कैब की कोई जरूरत नहीं है, पोस्टपोन करते हैं। नहीं पापा, हम पांडिचेरी चलते हैं। हर चीज का एक वक्त होता है। आई थिंक मे बी आई नीड टू टेक अ लिटिल ब्रेक। मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम। आर यू श्योर? या। पिज्जा। चलो चलो। मूड बदला ना? हाँ। क्या हुआ अनन्या, कुछ सरप्राइज बोल रही थी, बिना बताए जा रही है? नहीं अंकल, आने के बाद आप सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, बाय, गुड नाइट। बाय बाय बाय। क्या हुआ, तुझे कब से फोन कर रहे हैं, तूने उठाया नहीं? अनन्या अभी तुझे कब से ट्राई कर रही थी? किसी के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? चुप हो जाओ माँ, एक तो पूजा को कब से ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है, ऊपर से आप भी शुरू होगी। हटो माँ। अरे देख रहे हो आप, ये कैसा बन चुका है? बन चुका नहीं, तुमने उसे ऐसा बनाया है। प्यार करना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि सर पे चढ़ जाए। पता नहीं आपको क्यों पूछा मैंने। तो जाओ दीवारों से पूछो। आज तो तुम्हारी शादी जरूर पक्की होगी यार। तुम्हारा होने वाला ससुराल। उसका फोन अभी भी नहीं लग रहा है। ए, फोन उठा लेगी, टेंशन क्यों ले रहा है? पैरों के बीच में से निकल गया। तेले भी बत्ते होंगे तुलिया, और इसी तरह से खेलेंगे। रवि मेरे पैर के बीच में से क्या वो? ए, मैं बत्तों से बहुत प्यार करता हूँ। एक बार दादी हो जाए फिर वो भी बताएंगे। अभी जाओ, चल जा। नमस्कार। ये बुला लेते पंडित जी, गुजराती में आओ बोल रहे हैं। लो कौन छे? यही तो है बहु वेला। हाँ वेला भी गया। आओ आओ, हाँ चलिए। बेटे ये कौन है? लड़की के मामा जी है। क्या मामा? बाप राजस्थानी है, माँ गुजराती। लेकिन मैं तो कुदलाती दानता नहीं। तू सीख जाएगा भाई, 30 दिन का कोर्स होता है। चल चल। आओ बे सोने, घर काफी अच्छा है। नई बिल्डिंग है। तुमरा ऐसे गया छो, भालो है छे, आराम करे बोशो। बेटे ये बोल क्या लिए? बंगाली, बंगाली में हम सबको बैठने बोल रही है। नमस्कार। नमस्कार कहते हैं। आप सबका सफर अच्छा रहे हो ना? मैं कुछ तमदा नहीं। लड़की कहाँ है? वो तैयार हो रही है, आ जाएगी। गुदलाती, लालतानी, बंगाली, पंडित जी मैं तो। तुम कंफ्यूज मत होना, मैं क्लैरिटी देता हूँ। हाँ। ना बाप राजस्थानी है। हाँ। माँ गुजराती है। तो मलाथी कौन है? लड़की की नानी। एकदम सुंदर बात समझ में तुम्हें? लगा तुरंत हो जाए। अब ये कौन सी बात है? भोजपुरी है। भोजपुरी? अब तुम्हें बात समझ में आई? उसके बड़े पापा है ना, उन्होंने लव मैरिज की थी। लेकिन ये पूरी फैमिली कितनी एक बात में बात तो करती होगी पंडित जी। हिंदी में। हिंदी में? गुरुजी, इस रिश्ते के लिए मेरे दोस्त को ये सारी भाषाएं सीखनी पड़ेंगी क्या? सीखनी तो पड़ेगी। रवि तू यहाँ लड़की देखने के लिए आया या मॉल में शॉपिंग करने के लिए आया? मुझे दलन होली है। सर्व भाषाओं के सम्मेलन की मुंह दिखाई की रस्म। लड़की को बुलाओ। आ रही आ रही है। तुम्हारा बद्धा माटे स्पेशल कॉफी लावी छू। इतको कॉफी, इनको टी, इतको ग्रीन टी। क्या बात है, बड़ी जल्दी सीख गया तू। अब दादी करनी है तो टीकनी तो पड़ेगी ना। समझ रहा हूँ। इन्हें देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक नहीं पूरे आधा लड़कियों से दादी कर रहा हूँ। पक्का तू बीवी के इशारे पे नाचेगा? चुप कर। लड़की को बुलाइए ना। वो आ रही है, देखो लड़की का नाम लेते ही शर्मा रहा है। आप भी ना पंडित। देखो देखो। इतना क्यों शर्मा रहा है, लड़की को तो देख ले। इतना। हे
सूर्या यहाँ कैसे? तू इस लड़की को पहले से जानता है क्या? मेरी क्लासमेट है यार। तू इस लड़के को पहले से जानती है? वही माँ, सूर्या मेरा क्लासमेट। सूर्या? हाँ। अपना सूर्या? हाँ। ए सुशीला, अपना सूर्या है। आ जाओ लक्ष्मी, जल्दी आ जाओ। मैंने आपका सूर्या आला। लेकिन गुलबी घबराना मत, उनकी बात होती है, मैं बात कर लूंगा उनसे, ठीक है? वहाँ उनकी दादी हो जाएगी और आप यहाँ खाते लेंगे। खाओगे क्या? नहीं खाऊंगा। जलेबी? बोला ना नहीं खाऊंगा। दोस्त को जाके उतने पूछो, मिर्ची खाओगे? पापा ऐसे क्यों देख रहे थे मुझे? I am very proud of you, बेटी. You are doing good work. इन्हीं हाथों से हाथ पकड़कर चलना सिखाया और अब इन्हीं हाथों को किसी और के हाथों में थमाने का वक्त आ चुका है. तुम्हें देखकर हमेशा खुशी होती थी लेकिन अब जिम्मेदारी लग रही है. क्या हुआ तुम्हें कल से? चेहरा तो देखो, मसले हुए टिश्यू पेपर की तरह है. मेरा फेस ऐसा ही हो गया है. वही तो पूछ रही हूँ, इतना सड़ा हुआ क्यों है? ए, आउ! चुपचाप कॉलेज जा. सॉरी जा रही हूँ. ये इतना उदात क्यों है? हाँ, मैं पूदा के नाम से प्लैंक कॉल करता हूँ. हेलो पूजा. बेवकूफ, मैं लवी बोल रहा हूँ. इस तोतल को अभी सीधा करता हूँ. अले आप तो पुत है ना. चल बैठ. ये तो उदात ही अच्छा लग रहा था. बैठना. चल वैसे दाना कहाँ है? आज हर हाल में पूजा के घर जाना ही होगा यार. पता नहीं उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है. ठीक है यार, चलते हैं ना. एम्बुलेंस को जाने दे. एम्बुलेंस कर ये क्या? अरे बहरा हो गया क्या? हेलो भाई साहब, गाड़ी साइड में लगाओ. गाड़ी आगे बढ़ा. अरे क्या हो गया? ए नीचे कर. कब से एम्बुलेंस तेरे पीछे खड़ी है? गाड़ी साइड में लगा ना. कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग चल रही है. किसी की जान की कीमत नहीं है क्या तुझे? बैठे बैठे ऐसे घूर क्या रहा है मुझे? साइड में लगा गाड़ी. ए, चल चल. ए, रही है। अरे वाह, आ गई तुम. तुम्हारा फोन इतने दिन से स्विच ऑफ क्यों बता रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मेरी शादी तय हो चुकी है. मुबारक. मैं घर से भाग कर आई हूँ. चलो चलो जल्दी चलो बैठो. इस टाइम पर एक्सप्रेस आती है. मैं मुंबई जाने के बाद पूरी बात बताऊंगी. जल्दी चलो ना. पैदल जाना पड़ेगा. Oh, my God.
तुम जल्दी अंदर जाओ, मैं तुम्हारी टिकट लेकर आता हूँ। ओके अच्छा ठीक है, संभल कर आना। पता नहीं इसे क्या हो गया, इतनी उदास क्यों है? पूजा ट्रेन यहां पर नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है, चलो आ जाओ। क्या हुआ? चलो ना पूजा, ट्रेन का टाइम हो गया, चलो। मेरा हाथ छोड़ो सूर्या, तुम मेरा प्यार नहीं हो, राज है। तुम्हें लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? करती हूँ, पर तुमसे नहीं। राज हमेशा से ही मेरे साथ था सूर्या। इतने दिनों से तुम्हारी हर बात मानकर तुमने जहाँ बुलाया मैं वहाँ आई, इस इरादे से कि तुम हमें यहाँ तक पहुँचा सको। मैं राज से प्यार करती हूँ, यही मुझे पसंद है, ऐसा अपने पापा को बताती तो वो इसे मार कर इसकी फोटो को अखबारों में छाप कर इसे सुसाइड साबित करते। राज उनसे डरता है, उस दिन इसी को बचाने के लिए मैंने सुसाइड प्लान से ब्लैकमेल करने को सोचा, लेकिन तुमने वहाँ आकर पूरा प्लान फेल कर दिया। और अब तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो ऐसा ही मेरे पापा मानने लगे हैं, इसलिए मैंने राज के साथ भागने का सोचा। हमारे प्यार को जिताने के लिए थैंक यू सो मच सूर्या, अगर मैंने हर्ट किया हो तो आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे धोखा देने के बाद भी पता है मैं तुम्हें क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि तुमने मुझे धोखा अपने प्यार के लिए दिया है। प्यार करने वालों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्यार का दूसरा नाम भरोसा है। अगर तुम मुझे एक बार बोल देती ना, तो मैं तुम्हारा लवर बनके नहीं, तुम्हारा फ्रेंड बनके एक अच्छे दोस्त की तरह पूरी हेल्प करता। दोबारा किसी के साथ ऐसा मत करना। गुड बाय। इस वक्त अनन्या के घर में जाना ही सही रहेगा, ये रवि ने भी पता नहीं कुछ इंतजाम किया कि नहीं। ए, दरवाजा खोलने इतना टाइम लगता है? तूने कटकटाया तब तक? ए, क्या बात है यार, तू तो उसे साथ में लेके गया था ना, बाइक को प्लेन बुला के उला लाता, अब मुझ पे कुत्ता क्यों कर रहा है? मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ, तू मुझे इरिटेट मत कर। ले लाया भाई सामान? लाया क्या? दलाई दे था तो दालू नहीं मिली। अब क्या कहा? किसी काम का नहीं। वाओ क्या बात है भाई, आप कुत्ता हुआ है। बियर फ्रिज में। आह तुम ग्रेट हो अनन्या, वाह। स्नैक्स किचन में, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं तुम्हें सब पता है। थैंक्स अनन्या। तुझे बियर कहाँ से मिली? भगवान ने, ये बात तो मैं मान गया। भगवान ने नहीं पागल, अनन्या ने अरेंज किया है। ए, तेरा सर फोड़ दूंगा अभी। ठीक है टीवी बंद कर देते, ये ले। चल ठीक है बात करते हैं। गली गली गुत्ता करता रहता है दोस्त। हम दो हैं तो टीवी की दलोत क्या है? अगर टीवी चलाया तो बहुत मालेगा ये, तुम तब बियर पीते हैं। रवि वो बॉक्स में क्या है? ये तो गिफ्ट है यार, देख। इधर बताना कितका है? अनन्या का है। बॉल है, मगर ये इसमें क्यों रखा है? पेन ड्राइव? पेन ड्राइव कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कर लूं? करना। हाय सूर्या, मैं अपने जिंदगी में सिर्फ दो लोगों से प्यार करती हूँ, एक है मेरे पापा, दूसरे तुम हो। मेरे पापा के प्यार से मुझे स्नेह और खुशियाँ मिलती हैं, और जब तुम्हारे साथ रहती हूँ तो लगता है हर पल अपनी माँ के साथ हूँ। Thank you.
प्यार कब कैसे होता है पता ही नहीं चलता। अब तुम मुझे ही देख लो, तुम्हारे प्यार से ही तो पली बड़ी हूँ। जब भी मैं तुम्हारे साइकिल की घंटी सुनती थी ना तब मेरे दिल की धड़कने बहुत बढ़ जाती थी सूर्या। तुम्हारी नई साइकिल खरीदने की खुशी और उस खुशी को तुरंत ही मुझे बताने की बेताबी मुझे बहुत अच्छी लगती थी सूर्या। साइकिल चलाते वक्त तुम मेरी कितनी फिक्र करते थे और तुम मुझे पकड़ के ही रखते थे। सूर्या, हर लड़की अपने पहले प्यार का फर्स्ट टच, फर्स्ट हग, फर्स्ट किस कभी नहीं भूलती। तुम्हें भी याद होगा ना, और उस दिन अनन्या मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये बोट डूब गई तो। ये समंदर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या यार, अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब चलते हैं। टेंशन ले रहे हो तुम, प्लीज मैं हूँ ना, चले यहाँ से। मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है, प्लीज समझो ना, मैं डूब कर मर जाऊंगा। घबरा रहे हो, जाती हो ना, मुझे डर लगता है, फिर भी तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। अरे कुछ नहीं होगा बाबा। अनन्या मैं हूँ ना, मैं हर साल मोती के लिए ट्राई क्यों करती हूँ जानते हो? हम दोनों को अगर किसी ने मिलाया है तो वही समंदर है, इसीलिए इस समंदर के एक्सेप्टेंस के लिए मैं वेट कर रही हूँ। सूर्या, ये मोती तुम्हें देकर मैं प्रपोज करना चाहती हूँ। मैंने कितनी बार कोशिश की तुम्हें प्रपोज करने की, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। उस दिन होटल में तुम्हें हग करके मन ही मन में अपने मन की बात बता दी। अरे हाँ, उस दिन तो मैंने अनन्या को हग किया था। मैं जब भी आँखें बंद करती हूँ तो मेरे सपनों में बस तुम ही आते हो, जब आँखें खोलती हूँ तो सामने सिर्फ तुम ही होते हो। तुम कभी मेरा कबर्ड देखना। शायद यादें कभी प्यार नहीं बन सकती, लेकिन प्यार में तो सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मैंने संभाल के रखा हुआ है। हेलो, कहाँ हो तुम अनन्या? पांडिचेरी मेडिकल कैंप में हूँ। तुमसे मिलना चाहता हूँ मैं। दो दिन रुक जाओ ना, मैं वाइजा का ही रही हूँ। दो दिन बाद? एक काम करो, फोन रखो, मैं ही वहाँ आता हूँ। क्या हुआ बेटी? अरे हाँ, सूर्या का फोन आया था पापा, वो यहाँ आने वाला है। कितनी खुश दिख रही है। You wanna stay here? अनन्या! मेरा प्यार मेरे आंखों के सामने था और मुझे पता ही नहीं चला। पूजा मुझसे सच्चा प्यार करती है, मैं इसी गलतफहमी में जी रहा था। पर पता है वो मुझे छोड़कर चली गई, फिर भी मुझे उतना दुख नहीं हुआ। लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो ये जानकर मुझसे एक पल भी रहा नहीं गया। शायद इसी को प्यार कहते हैं, इसलिए पूरी रात बाइक चलाकर तुम्हारे पास आ गया। एंड यू नो व्हाट, आई लव यू अनन्या। कौन है रे तू? आजकल हर किसी का ये फैशन हो गया है सबके सामने आके प्रपोज करना, और मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। देखो ना पापा इसे। ऐसे रोड साइड रोमियोज बहुत देखे हैं बेटी, तुम इन सब पर ध्यान मत दो। टेक इट इजी, कम ऑन लेट्स गो। आखिर बात क्या है, तुम टेंशन में क्यों? उसे गए हुए दो दिन हो गए, पता नहीं कहाँ होगा कैसा होगा, मुझे टेंशन हो रहा है। वो कोई पेंटिंग के लिए लड़की ढूंढ रहा होगा। तुमने सही कहा बेटी, तुम दोनों उसे कभी नहीं समझोगे। माँ वो बड़ा हो गया है, आप फालतू का टेंशन मत लिया करो। देखा, तुम्हारी टेंशन की तरह बादल और बिजली बरस रहे हैं। मैं खिड़कियां बंद करता हूँ। अरे भगवान, तुम्हारा बेटा आ गया है, जरा मुझे छाता तो देना। सुनिए, मेरा बेटा तो नहीं आया यहाँ पे? आपका बेटा कभी दरवाजे से आया है? बचपन से दीवार चढ़कर ही आया है, यकीन नहीं है तो ऊपर जाके देखिए। ठीक है। यहाँ भी नहीं हो सकता, इस कमरे में तो अंधेरा है।
आखिर क्या बात है अंकल, अनन्या ऐसे क्यों बिहेव कर रही है और आप भी कब से चुपचाप खड़े हैं? आखिर बात क्या है? बात क्या है जानना चाहते हो तो पहले ये पता कर लो कि मैं कौन हूँ। असल में मैं कौन हूँ तुम जानते हो क्या? असल में मैं क्या करता हूँ तुम जानते हो क्या? MIA मलेशियन इंटेलिजेंस एजेंसी, मैं वहाँ पर काम करता हूँ। वहाँ पर होने वाला हर मूव मेरे कंट्रोल में रहता है। डू यू हैव एनी आइडिया ऑन द हाई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वी वर्क ऑन? एक एजेंट के ब्रेन से हिडन इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियर कोड्स, उन्हें बिना पता चले अगर उन्हें याद भी हो तो सबकॉन्शियस माइंड से हमेशा के लिए उन्हें डिलीट कर देते हैं। एक इंसान के ब्रेन से पलाना एग्जैक्ट मेमोरी एक प्लेस के बारे में हो, एक टाइम के बारे में हो या फिर एक इंसान के बारे में हो, इन सब को मिटाने की शक्ति मेरे इस टेक्नोलॉजी में है। इसे ही लेक्यूनेरेमीजिया कहते हैं। अपनी बेटी के ब्रेन से सूर्या नाम के इंसान को पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। एक बार डिलीट करने पर कभी भी याद नहीं आएगा। क्यों बेटी? हा? थकी हुई लग रही हो? नहीं पापा, वो आने वाला है ये जानकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ पापा। हाँ बेटी, वो तो दिख ही रहा है। या। अरे हाँ, ब्रेन के नर्व्स कैसे फंक्शन करते हैं तुमने पूछा था ना, दिखाता हूँ। रियली? सीरियसली? ओके। ये धागा किसने बांधा? सूर्य ने बांधा था पापा। वैसे बेटी, तुम और सूर्य एक साथ बाहर कब गए थे तुम्हें याद है? कैसे याद नहीं होगा पापा, July 27, 2008। डिलीट होने के बाद कुछ भी याद नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा तुमने एक रात के सफर में प्यार को महसूस किया होगा। वही मेरी बेटी तुम्हारे साथ के हर पल में प्यार को महसूस करती थी। वैसे भी मैंने अपनी बेटी को अपने पलकों पर रखकर संभाला है। जान से भी ज्यादा प्यार किया है मैंने, और वो प्यार, वो अपनापन तुम्हारी जिंदगी में या तुम्हारे मन में मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी के जिंदगी से और उसके माइंड से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। गुड बाय। हेलो, ये आनंद, बाहर बारिश हो रही है, तुम कहाँ हो? अरे सुनो, मैं अपने बेटे को मलेशिया भेजने के काम में लगा हूँ, फोन बाद में करना, ठीक है? ओ सॉरी सॉरी, ओके। सूर्या, जब हम किसी लड़की से प्यार करते हैं और वो हमसे दूर चली जाती है, तब उसकी असली अहमियत पता चलती है। उसमें जो तकलीफ होती है ना, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मेरे पे बीत चुकी है। जानकी मुझे छोड़कर चली गई इसलिए नहीं बेटा, उसके बदले तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में आई इसलिए। इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं बेटा, और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे को महान होने की जरूरत नहीं है, अपने प्यार के पास रहना और उसे भी खुश रखना, यही जिंदगी है। वो मलेशिया में तो है ना बेटा, जा जाकर उसे ले आ। ए, ये माइंड डिलीट कौन थी दयाल?
बाप ले बाप, वो आता दिलीत होना था, मैं तो दिलीत होना था, ये माइंड दिलीत का ऑप्शन कहां से आ गया? ये तो तोत के ही डर लग रहा है। अगर ये बात लड़कियों के बाप को पता चल गई तो वो बिताले तो कुतीते ही पागल हो जाएंगे। देखा उते देखो, पहले ये बिना मतलब के हंसता रहता था। मुझे अनन्या के फादर का अपॉइंटमेंट चाहिए। इसलिए अरे यहाँ पे ना हम लोग बोर्ड लगा देंगे और ऊपर लिखेंगे ब्रेकअप हो या प्यार हो भूल जाए कम दामों में। तो देख शादी के बाद काम करने की जरूरत नहीं, एक बार बोर्ड लग गया ना देखना उसके बाद। यूज़लेस फेलो, उधर आइडिया पसंद नहीं आया। हाँ रमेश, सब कुछ सेट हो चुका है। ठीक है, तुझे याद है ना उसे अनन्या का एड्रेस और फोन नंबर दे दिया है, मैं बाद में बात करता हूँ। के पापा इसे रख ले सूर्य। अरे पैसों का क्या है बेटा, फिर से मेहनत करेंगे, कमाएंगे और बचा लेंगे, लेकिन मेरे बेटे की लाइफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चल रख ले। थैंक यू पापा। क्या भाई हाथ ना भूल गया क्या? हट, मैंने सोचा था तू मेरे जैसा बर्बाद हो जाएगा और लड़कियों के पीछे घूमकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा, लेकिन तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है मैन, तुमको अपना सच्चा प्यार मिल गया है। यही तो अपनी जिंदगी की फाइट है मैन। वाह, गुड लक मैन, कम ऑन डार्लिंग। थैंक यू दोस्त। ए, इतनी तोती थी डाली के पीछे इतनी लंबी कहानी। अरे छोड़ना मैन, चल कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन अनन्या अगर तुम्हें पहचान नहीं पाई तो? प्यार में अक्सर लोग बिछड़ते हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो सब मुमकिन है। मुझे अपने प्यार पे कोई डाउट नहीं है, तुम देखना सब ठीक होगा। ओके बाय, आप चलिए। बाय बेटा। बाय, अपना ख्याल रखना। अनन्या, मैं आ गया। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरे आने के बाद टीका लगा के बोली कि मैंने प्यार किया, ऐसा नहीं होगा। अले उसकी मेमोरी पहले से ही डिलीटेड है, तू कुछ नहीं कर सकता है। अब पता नहीं अनन्या से मिलेगा कहते। अनन्या से कब कैसे कहाँ मिलना है मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। You just wait and see। तेरे प्लानिंग की वजह से ही हम मलेतिया पहुंच गए। चल। क्या हुआ बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो? मेरे साथ जॉगिंग करोगी? नो पापा। पापा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस समंदर से मेरा कोई अटैचमेंट है? ऐसा लगता है जैसे कोई रिलेशन है, लगता है जैसे मुझसे बात करता हो। पता नहीं क्यों मुझे इससे क्लोज फीलिंग है। देखिए कॉल। हाय, हाय। हे। अलार्म दे। हेलो। हे। क्या बात है, यहाँ भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। नो। अब मेरा कैरेक्टर बदल चुका है, अब मैं सिर्फ अनन्या का हूँ। आई एम सॉरी। कम ऑन, यू हैव टू गिव मी अ हग। कम। अले मैं हूँ ना। रुको तो मेरे पास आओ। नो। बेबी प्लीज। नो। बेबी प्लीज। बेबी। बेबी। गिव मी अ हग। गिव मी अ हग। बेबी। बेबी। Baby! Hey, Ravi! When did you come from India? इसका नाम है लिंदा और इसकी पूरी फैमिली खाती है तिंदा, तो मुझे पता नहीं। बाप रे बाप। Wait for me, Ravi. Give me a hug. बाप रे, इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं? मैं तिंदे के तक्कल में पनील को नहीं तोलूंगा। Hey, baby, come on, come on. Hey, Ravi, where are you? Let's go, let's go. Oh no, I missed him again. Come. अरे पापा, क्या हुआ बेटी? रिंग हो गई है। मॉम की रिंग? हे सुनो बेटा, मॉम की रिंग जैसे ही दूसरी रिंग दिला दूंगा, बाहर आ जाओ। इट्स जस्ट नॉट अ रिंग पापा,
मुझे दी हुई माँ की निशानी है। मेरी बात सुनो अन्नु, बाहर आ जाओ। नो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। हाय। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिना व्हाट्सएप के फोन, बिना रिव्यू के मूवी और बिना अनन्या के सूर्या कभी रह सकता है क्या? चांस ही नहीं है। क्या पागलों की तरह तुम बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? सुनो तो, ओए। की बात भी अकल नहीं आई है। अच्छा ये तो सुन लो, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। ये फ्लावर्स क्यों? फ्लावर्स देकर वो मुझे प्रपोज करने वाली थी ना, वही फ्लावर्स देकर मैं उसे अपने प्यार की याद दिलाऊंगा। कुछ भी याद नहीं आएगा। ए लगता है ये गल है। हाँ चलो उतर। घर तो बहुत मस्त है यार। तुम ना यार, तू अंदर मत जा यार। बहुत पैसे वाला है। ला फूल दे। ए लुकना लुकना मत जा। चुप। जब देखो पनौती लगाता है। ओ, कहीं आतपात कुत्ता ना हो। कहीं वो गोली ते ना मार दे। ऐसे कैसे कोई मार देगा यार, मेरे ससुर का ही घर है। बिंदास चल। बाबले भागो। चुप जा, चुप जा। क्या बात है? अब पापा को क्या बताऊं? अचानक बाहर क्यों आए? ऐसे ही पापा, कैजुअली। आप एक्टिव हो या नहीं ये चेक कर रही थी। ठीक है। आखिरकार मैं कंफ्यूज क्यों हूँ? बुद्धा तो गया। ए भगवान, ये क्या गेम खेल रहे हो मेरे साथ? ये पनौती जब भी मेरे साथ आता है मेरा काम उल्टा ही होता है। अले उसकी मेमोरी तो दिल्ली तो गई ना यार। तो फिर कंप्यूटर क्या है? अपने बॉडी को किसी भी चीज की आदत लगने के लिए 21 डेज लगते हैं। सपोज तुम डेली 5 बजे का अलार्म लगा के रोज उठोगे तो 22 सेकंड को अलार्म नहीं भी बजेगा तो भी उठ जाओगे। माइंड का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, बॉडी अपने हिसाब से चलती है। इसके साथ भी वही हो रहा है। क्या बात है अंकल, सुपर। आपका मुझे वार्निंग देना, फिर मेरा आपको चैलेंज करना, नो यूज। कुछ नया ट्राई करते हैं ना। ये रही पेन ड्राइव, इसमें पूरी कहानी है। अनन्या बचपन से ही मुझे प्यार करती है, इसमें वो सब है, पर मैं उसे नहीं बताऊंगा। पेन ड्राइव भी नहीं दिखाऊंगा। अगर वो सच में सिर्फ मेरे लिए ही बनी है तो ये सब नहीं चाहिए, वो खुद समझ जाएगी। और अगर हम दोनों का प्यार सच्चा है तो वो सामने से आके आई लव यू बोलेगी। अंकल आपने मुझे सिर्फ उसके ब्रेन से डिलीट किया है, आज से डिलीट नहीं कर पाओगे। See you, अंकल। फ्लावर्स। सूर्या के अलावा और कोई भी ये फ्लावर्स नहीं रखेगा, यही किसी नजदीक के फ्लावर शॉप में होगा। आज तो इसे सबक सिखा के रहूंगी। गूगल मैप पे लोकेशन भेजा है, अब भी बताती हूँ इसे। हाँ ये क्या, मैं तो वापस घर आ गई। हाय अनन्या। सीधे घर में घुस गया। डार्लिंग आओ ना, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मुझे ही ढूंढ रही थी क्या? तुम ऐसे कैसे मेरे घर में घुसा है? कभी ना कभी तो मुझे इस घर में आना ही है। बैठो ना डार्लिंग, मुझे लगा था यहाँ सिक्योरिटी टाइट होगी, पर यहाँ तो एक गार्ड भी नहीं है। सीधे सीधे बता दो, तुम मेरे घर के सामने तुमने ये फ्लावर्स क्यों रखे? वो क्या है कि प्यार याद दिलाने की कोशिश। क्या? हाँ वो क्या है ना डार्लिंग, तुम्हें फ्लावर्स के साथ देख कर मुझे लगा कि तुम मुझे प्रपोज करने वाली हो, लेकिन उस दिन सबके सामने प्रपोज किया कह रही थी ना, अब यहाँ कोई नहीं है, अब तो हाँ बोल दो। इरिटेट मत करो। इरिटेट कहाँ कर रहा हूँ डार्लिंग, आओ इधर बैठो, हॉट हॉट कॉफी पीते पीते कूल कूल बातें करेंगे, आ जाओ। हॉट कॉफी पियेंगे?
पीएंगी पीएंगी। ओए, ये क्या किया तुमने? उसमें मेरा पासपोर्ट है। पागल, क्या सच में फ्लावर्स इसी ने रखे हैं या ये नाटक कर रहा है? अगली बार इसे फ्लावर्स रखते वक्त मैं पकड़ लूंगी। ए, मेरा पासपोर्ट है यार, भाग कर रहा है। ये क्या सब एक जैसे गेटअप में? मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? अरे रुको, काम करता हूं, इसे फॉलो करता हूं। ओ, अरे भाई मेरे पासपोर्ट दे दे। हे डूड, वी एस्केप मैन। ये गिव मी अ सिगरेट, आई फील लाइक हैविंग इट। Brother, yeah. What's wrong with you? Where did you hit, man? Hey, ये क्या तुम बच्चों वाला खेल खेल रहे थे? तुम सब ने स्कूल यूनिफॉर्म के जैसे एक ही कपड़े पहने थे और अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल से पंगा ले लिया? No, don't hit me. मास्क में से बदबू आ रही है, इसे धो तो लेते। Relax, bro. यार रवि, इस गार्डन की खूबसूरती को देख के मुझे अनन्या की बहुत याद आ रही है। अगर वो साथ होती तो कितना अच्छा होता। उसका तो पता नहीं, लेकिन अगर लिंदा मुझे आके कद के पकड़ लेना तो मैं क्या करूंगा? यही तो उसके मुझे डर लगला यार। हाय, हाउ आर यू? हाय। वो देख, उसका नाम लिया और वो आ भी गई। मुद्दे उसका टोटल बर्दात नहीं होता है। दला अपने ततुल को बोल के उसके दिमाग से मेली मेमोरी डिलीट करवा देना यार। यार होते रहता है यार, मैं लोते लेता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं लूंगा। मैं अभी जाके टैपटल क्लोथ करके आता हूँ। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुमको चाहिए क्या? I want you. लेकिन तुम मुझे नहीं चाहिए। Why? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और हमारी बाता भी अलग है। पर तेरे लिए हिंदी सीख चुकी हूँ। तो क्या लड्डू बातूं? ये नहीं हो सकता। But I have learned Indian cooking for you. Why don't you understand? तो दाके होटल खोलो ना, मुझे पलेदान मत करो। But I have learned Bollywood dance for you, dear. तो क्या करूँ? अगर तू लोल पे डांस करेगी ना तो लोग बेहोश हो जाएंगे। मुँह देखा है अपना? सिर्फ मैं ही नहीं, तू भी तो काले कोयले जैसा है। और तू मुझे काले बोल रहा है? चाहे कुछ भी कहो, तुम मुझे पसंद नहीं हो। Why? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, हमारा मेल नहीं हो सकता। Why? मुझे ज्वाइंट फैमिली पसंद है और तुम अकेली हो। अकेली? ज्वाइंट फैमिली? तो दे क्या हुआ? अनन्या का पॉल है यार। इतना मित कला होते यार, तुझे पता है अनन्या ये पॉल देकर ही क्यों प्रपोज करना चाहती थी? हाँ। इससे ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं है। हाँ? और ये हमारे रिश्ते की तरह पवित्र भी है। ओ। इसीलिए वो इस पर्ल के साथ प्रपोज करना चाहती थी, लेकिन बेचारी नहीं कर पाई। और अब यही पर्ल में उसे देकर अपने दिल की बात उसे बताऊंगा। हेलो। आमा, वहाँ सब ठीक है ना बेटा? तुम अनन्या से मिले, तुमसे नाराज नहीं है? आपके सवाल शुरू हो गए ना। देखो माँ, मुझे अनन्या का प्यार चाहिए और उसे सूर्या से चिढ़ है, इसलिए मैं कार्तिक बन के अपने प्यार का इजहार करूंगा। सब सेट है माँ, आप आरती की थाली तैयार रखो, आपकी बहू को जल्दी ले आऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ओके माँ, बाय। कहाँ लेके जा रही हो? कार्तिक, बाय। Yeah.
हाय अनन्या, मैं कार्तिक, तुम्हें ब्यूटीफुल गिफ्ट देकर सरप्राइज करने का मन किया, लेकिन भगवान ने मुझे तुम जैसा कीमती गिफ्ट दिया है। तुम्हारी जितनी खूबसूरत और तुम्हारे जितना कीमती गिफ्ट इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें मिरर गिफ्ट किया है। देखो तुम कितनी खूबसूरत हो। अनन्या, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। नीचे मैंने एक बॉक्स रखा है, उसे खोल के देखो। तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। रोज तुम्हारे घर के सामने फ्लावर्स रख रहा हूँ, चाहे तुम्हें पसंद आ जाए, जल्दी तुम्हारे सामने आऊंगा। मोती, यानी फ्लावर्स रखने वाला सूर्या नहीं, कार्तिक है। He wants joint family? Yes. He wants joint family? Yes. He wants joint family? Yes. Okay. We are joint family and we know what to do. हमको भी हिंदी आता है, तुम घबराना मत। तेला क्या है यार, मेला बहुत मुझे नौकरी से निकाल देगा। शांति से पबजी भी नहीं खेलने देता, बैठा चुपचाप। Wait. Is not the guy Linda told us about last time? Yeah, correct. That's him. Excuse me, sir. Yes. How are you? Yeah, I'm fine. How are you? Fine, thank you, sir. Sir, we are from Make-A-Wish organization. Make-A-Wish organization? Yeah. वो देख कितनी विध पुली कली हैं। मरने वालों की आखिरी इच्छा पूरी करना हमारा काम है। लिंडा को एडवांस कैंसर हो गया है। एडवांस कैंसर? उसकी आखिरी ख्वाहिश आपसे शादी करना है। Me? No. I'm a bachelor. Please. Come on. No. मुझे एक joint family की तलाश है। Please. I can't. Milly. Please, sir. Okay. ये लोग ताते हैं कि मैं विध कल के तादी करूं। Lady people. Okay guys, let's go. Yes, I'm ready. Okay. आइए सर, आइए। Come on. Hey, मलेशिया में लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। तूने देख ही लिया होगा। Take care. तू बस पब्जी खेल। I'm from India. Yes. Come on, no one is there. Linda? Oh yeah. क्या तत्मे? इतने तैतले? Yes. 100%. लेकिन ये हाथ को लिए। But this happiness is just for 10 days only. 10 days? Only 10 days. मैं अभी आया। क्या हुआ सर? Yes, ऊपर वाले, अगले 10 दिन में एक पनौती से मुझे हमेशा के लिए तुतकाला मिल जाएगा। मुआ, मुआ, मुआ। या! Linda. Oh yeah. मुझे बहुत दुख हो रहा है लिंडा। ऊपर वाले, इत पत्ते देती लड़की को तूने इतनी बली भी माली दे दी? क्यों? उते दे सकते थे? या फिर इते देते? नहीं तो इते देते। अगर इते नहीं, तो मुझे दे देते। I'm angry with you. Linda. 10 days तो क्या, मैं पूरी लाइफ अपनी पत्नी बना के लगूंगा। लव यू। क्लैप एवरीबॉडी। अरे बाबले। हैप्पी। लिंडा को कुछ नहीं हुआ है, शी इज परफेक्टली ऑलराइट। जस्ट रिपोर्ट्स एक्सचेंज हो गए थे। नो, एक बार पीछे देख के दिए। नो, मैंने चेक कर लिया, शी इज परफेक्टली ऑलराइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। म्यूजिक। बंद करो ये तब। ये अन्याय है, मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या हुआ जीजा जी? कौन है तेरा दीदा? बोल। हम सब एक जॉइंट फैमिली है जीजा जी। मतलब मैं इसका परमानेंट पति हूँ। डार्लिंग, तू क्या सोचा मेरे बारे में? मुझे ऐसा हैंडसम लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें कोई तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? कब क्या करना चाहिए, कहाँ कैसे रहना चाहिए पता ही नहीं है। उस दिन मैंने कैजुअली थोड़ी बोला था। अच्छा, तो अब तुम ऐसा करोगी मेरे साथ? सुनो, तुम्हें पता है जिंदगी भर तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। जिंदगी भर के लिए? हाँ, प्रूफ करके दिखाऊं क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जिंदगी भर रानी की तरह रखूंगा, ये बात मैं अभी प्रूफ कर सकता हूँ। करके दिखाऊं क्या? प्रूफ नहीं करोगे तो मुझे भूल जाओगे क्या?
अगर प्रूफ कर दिया तो तुम मेरी हाँ डील। पहले प्रूफ करो। ठीक है चलो जल्दी चलो, अब भी फैसला हो जाएगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम सिर्फ मेरी आंखों में ही देखना और कहीं नहीं। जो भी है 2 मिनट में कर लो। गाइस व्हाटएवर इज देयर इन योर हैंड्स जस्ट थ्रो ऑन टू हर। व्हाट व्हाट या यू हर्ड व्हाट आई सेड। ये तो मुझसे सच में प्यार करता है। अगर इसे ऐसे ही देखती रही तो मुझे इससे प्यार हो जाएगा, और अगर आंखें बंद कर लूं तो भी मुझे ये दिखाई देगा। देख लिया ना, तुमने 1 सेकंड के लिए आंख बंद कर ली तो मेरा ये हाल हो गया। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ ऐसी ही है, अब तो तुम समझ गई होगी। अरे बेटा यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा। क्या हुआ? मुझे पॉन्डिचेरी में प्रपोज करने वाला सूर्य यहाँ तक आ गया। अच्छा, वो कोई मामूली इंसान नहीं है पापा। Is he troubling you? नहीं पापा, सूर्य आँखों के सामने प्यार जताता है, और कार्तिक आँखों के सामने ना होकर भी प्यार जताता है। क्या सच है क्या झूठ है छोड़ो ना पापा। देखो माँ की रिंग मिल गई। माँ की रिंग कैसे मिली? एंड द पर्ल आल्सो। किसने दिया बेटी? कार्तिक, उसी ने दी मुझे। तो सूर्या ने ऐसा प्लान बनाया? पता नहीं क्यों इसमें एक अनजानी सी फीलिंग है पापा। तो अब क्या करें? लेट्स सी पापा, वक्त पर छोड़ देते हैं, वक्त ही हर चीज का जवाब देगा। ठीक है बेटी, मेरे फ्रेंड्स आए हैं। या I'll talk to you later, okay? Okay. चलता हूँ। Have fun. Bye. Good morning, Kuala Lumpur. और आप सुन रहे हैं 98.5 Fly FM अपने लव गुरु के साथ। क्या आपको कोई लव प्रॉब्लम्स हैं? या आपकी गर्लफ्रेंड आपके प्यार को पहचान नहीं पा रही, या आपको पहचानने से इनकार कर रही है? तो फिर तुरंत कॉल कीजिए 98.5 Fly FM पर अपने लव गुरु को। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है एक प्रेमी, इंडिया से यहाँ सिर्फ अपने प्यार के लिए आए। अब उनके बारे में जानते हैं। ओवर टू सूर्या। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है। मैं अपने प्यार को पाने के लिए समुंदर पार करके आया हूँ। मेरा प्यार समुंदर जितना गहरा ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन हर किसी के प्यार में सच और झूठ दोनों होते हैं। लेकिन मेरे प्यार में कौन झूठा है ये बात मुझे अच्छे से पता है। क्या हुआ अनु, ये वही सूर्या है क्या? बारो देवदास, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, इन सब के बारे में आपने सुना ही होगा। इन सब की तरह मेरा पहला प्यार भी मेरी डार्लिंग है। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं अपनी डार्लिंग को एक मैसेज देना चाहूंगा। ओए, सुन रही हो? 2 दिन से तुम्हें देखा नहीं है, कहाँ छिपके बैठी हो यार? हमारे वाले कॉफी शॉप पर आ जाओ ना। पापा, लेट्स गो टू द कॉफी शॉप एंड सी दिस गाय। श्योर? या। अब तो उसका नाम बता दो। नाम बता दूंगा तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। आप स्वैंप ले कीजिए। ओ, ओके। ये अब तक नहीं आया, आने दो, दिखाती हूँ इसे। जीजाजी, जीजाजी, दीदा दी, मैं तेला दीदा नहीं हूँ। समझ कीजिए ना। अरे भाई, एक तो मेरी दादी कलवा दी, और उसके बाद तू एक्टिंग कर ले। आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है ना जीजाजी, ओके? ठीक, बैड लक ही खराब है। डार्लिंग, हाँ?
घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? तुम मेरे लिए वेट कर रही थी, लेकिन क्यों? तुम्ही ने तो एफएम पे बोला था ना आने के लिए। तुम्हें गलत फहमी हो गई है, वो तुम्हारे लिए नहीं इसके लिए बोला था। ओहो, तुम्हें जलन हो रही है क्या? ठीक है चलो। हे, हाँ छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पर आई लव यू कहने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ, समझ गए? तो फिर क्यों आई हो? एक और बार अगर तुमने ऐसे चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल किया ना तो देखना तुम। मुझे चीप बोला ना, अब निकलो आओ। छी, तुम नहीं बदलोगे, मैंने तुम्हें अपने माइंड से हमेशा के लिए निकाल दिया। हाँ, जाओ जाओ। तुम ज्यादा मत सोचो बेबी, वो ऐसी ही है। क्या हुआ बेटी, इतनी परेशान क्यों हो? मैंने उसे बोल दिया कि आज के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाना। गुड। प्लीज कम टू ओपन थिएटर एट बुकिट पिंग टैंग, सी यू एट 7 PM फ्रॉम कार्तिक। ओ, आज कार्तिक को मैं 7 o'clock मिल सकती हूँ। ए, मेरी बात सुन, यहाँ कुछ नहीं होगा, हम इंडिया चलते हैं। अब क्या हुआ यार? और क्या होना है, क्या करने आया था और क्या कर रहा है? डेली प्लानिंग मेरी समझ में नहीं आती है। तू उसका पीछा करता है, मिल जाने पर तुझे पलावल देता है, लिंक देता है, आमने सामने आने पर वो इलिटेट हो जाती है, क्या ये तब? अब मुझसे नहीं होगा यार, बिल्कुल नहीं। तू मेरे साथ तिपकना तोल दे। Yes, who? जब पता है मेरी किस्मत खराब है तो गेट क्यों करूं? तोड़ दे। मेरी बात कान खोल के सुन ले, मुझे कुल्लम कुल्ला प्याल पसंद नहीं है। So sweet. अच्छा बोलो, क्यों आई है तुम यहाँ पर? Tonight our first night. Don't forget. Bye. अरे वाह, आज तेरी first night है, जाना? क्या यार, अगर मैं गया ना तो मेरी first night नहीं last night हो जाएगी। ए, हाथ मत, उतने तुतकाला कहते पाऊं समझ में नहीं आ रहा। छुटकारा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सच्चा प्यार करती है तुझसे। मेरे टीचर ने एक बात कही थी, ये किसी चीज को अगर तुम पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लिंडा का प्यार भी तेरे लिए ऐसा ही है। वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, इसलिए तुम उसके हो गए। अब बस मुझे मेरा प्यार भी मिल जाए। जैसे ही सृष्टि को 5 चीजें चलाती है, वैसे ही इंसान को भी 5 सेंसेस चलाती है, और मैं इन सेंसेस के जरिए ही अनन्या तक पहुंच जाऊंगा। तुमने कहा था ना, बिना दिखे फ्लास देना, उसे रिंग गिफ्ट करना, ये सब उसी का हिस्सा है यार। जब तक तुम ये सब बात समझोगे ना, अनन्या मेरी हो चुकी होगी। चलो, तेली तीतल की बात तमत के क्या करूंगा, दादी तो हो गई मिली। कार्तिक ने मुझे बुलाया है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाय अनन्या। हाय। तुम्हें पहली बार जब मैंने मंदिर में देखा था तो तुम्हें देखते ही प्यार हो गया। क्या बात है, आज सब लोग घी के दिए क्यों लगा रहे? स्वामी जी, आज कुछ खास बात है क्या? सब लोग आज घी के दिए क्यों जला रहे? वैकुंठ एकादशी है, भगवान के आगे घी का दिया लगाकर अपनी मनोकामना बोलने से वो अवश्य पूरी होगी बेटी। अरे हवा चल रही है, लगता है दिए बुझ जाएंगे। जल्दी आओ। आ रही हूँ पापा। उस दिन तुम जल्दी चली गई थी, तुम्हारी मनोकामना क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए इसलिए मैंने उस दिए को बुझने से बचाया था। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें खुश देख सकूं। देखो तुम्हारी दादी माँ तुमसे क्या कहना चाहती है। तेरी हमेशा याद आती है अनन्या, लेकिन इसे देखती हूँ तो राहत मिलती है। भले ही तू मुझसे दूर जा चुकी है, लेकिन तू मेरे दिल के करीब है बेटी। तू जहाँ भी है खुश रहना, आबाद रहना बेटी। अनन्या, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। मलेशिया जाकर सोचा था हमें भूल जाओगी, थैंक यू हमें याद रखने के लिए। बस करो ना पापा, एक तो वैसी टेंशन में हो के मुझे आखिर मारा किसने। इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। तुम्हें खुशियाँ देने वाले को मैंने खुश किया, उसी तरह तुम्हें परेशान करने वाले सूर्य को मैंने परेशान किया। अभी भी तुम्हें परेशान करता है क्या? बोलो, इस बार तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। एक लड़की होने के नाते तुम अपनी माँ को कितना मिस कर रही हो, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ।
मुझसे शादी होने के बाद मैं तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझसे मिलना चाहती हो ना, मैं कल सुबह 9 बजे तुम्हें उसी मंदिर में मिलूंगा जहाँ मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। आई लव यू अनन्या फॉरएवर एंड एवर। ए, अब इंतजार करना बंद कर, दीदे दाके बोल क्यों नहीं देता? अनन्या को मुझसे फिर से प्यार हो जाए इसके लिए मैं रवि हर तरह की कोशिश करता रहूंगा और मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इतमें इत की गलती नहीं है। इसका डायरेक्टली पीछा करने वाला सूर्य और इनडायरेक्टली उसे गिफ्ट देने वाला कार्तिक एक ही है। ये बात मैं उसे बहुत जल्द बता दूंगा। आई एम श्योर कि वो बहुत खुश हो जाएगी। वो कैसा दिखता है मुझे पता नहीं, लेकिन उसका प्यार कैसा दिखता है ये उसने मुझे बता दिया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी बस उसी से हो। पापा, आप यहाँ कैसे? सरप्राइज। कम, आई विल शो यू समथिंग। देखो, तुम्हें इतने दिनों से तरीके से मैच्योरिटी से प्यार करने वाला सीधे तुमसे आकर मिलेगा, ये तुमने कैसे सोच लिया बेटा? तरीके से सबसे पहले मेरे पास आया है परमिशन लेने के लिए। हे कार्तिक, इधर आओ। हाय। मैं जैसे लड़के से तुम्हारी शादी करवाना चाहता था वैसे ही लड़के से तुमने प्यार किया है। इसका नाम कार्तिक है, योर फर्स्ट लव। पहले तुम्हारे पापा से पूछकर फिर तुमसे मिलना चाहता था। थैंक यू सो मच पापा। आप मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट इंसान हैं। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू। या ठीक है, तुम लोग बाहर जाके ओके। तुम्हें अनन्या के माइंड से डिलीट कर सकता हूँ तो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बदल सकता हूँ क्या? तुम ब्रेन का इस्तेमाल करते होगे पर मैं उससे खेलता हूँ। अनु बेटा, खुश तो हो ना? बहुत ज्यादा। एंगेजमेंट सिंपल करके ग्रैंड शादी करवाएंगे। इट्स ओके पापा, प्लीज कम टू बैकयार्ड फ्रॉम सूर्या। पापा, मैं बस अभी आती हूँ। ओके ओके बेटा, ओके बाय। क्या है बोलो? हटो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने बुलाया इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैंने सोचा तुम मुझे ऐसे देखोगे तो बदल जाओगे। अपनी लाइफ के साथ तुम क्या करने वाले हो क्या पता, एटलीस्ट तुम मुझे बख्श दो। अनन्या, मैं अपनी सारी फीलिंग्स तुम्हें एक हक से बताना चाहता था, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? गुड बाय। चाह के भी तुझसे जुदा हो ना पाऊं, जाने जा रूठा है पल भी मुझसे टूटा है सपने में।
जहाँ भी देखूं मैं तुझे ही पाऊं जाने जा, मेरे बिना खुश कैसे हो तुम ये तो बता जाना, तन्हा करके मुझे कहा तुम चली गई जाना। What the hell are you doing here? Get out! Uncle! Get out! Uncle, मेरी बात तो सुनो। Security! Security! Uncle, मैं आपसे कुछ कहने आया था। क्या है? क्या कहना है? मैं हार गया अंकल। एक बाप के प्यार के आगे मैं हार चुका हूं अंकल। मैं पूरी दुनिया घूम के आया। उसके दिल में बसने से पहले ही आपने मुझे उसके दिल से निकाल दिया। अब बर्दाश्त नहीं होता अंकल। क्या आप मेरी छोटी सी हेल्प करेंगे? आपको सब डिलीट करना आता है ना, तो उसे मेरे दिल से डिलीट कर दीजिए और मेरे दिमाग से भी। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। अनु पापा, क्या हुआ बेटा? आप जल्दी से घर आ जाइए पापा। बात क्या है बेटा? आप आइए ना पापा। Hey, what's happening? पापा, हमें धोखा दिया गया है पापा। क्या हुआ? जिससे मैं प्यार करती हूँ और जो मुझसे प्यार करता है वो ये नहीं है पापा। ये तुम क्या बोल रही हो अनु? मैं सच बोल रही हूँ पापा। अनु, मेरे लिए जब रोज वो फ्लावर्स रखता था ना पापा, तो उसके साथ एक प्यारा सा मैसेज भी भेजता था और वो ये हर रोज करता था पापा, लेकिन ये उन मैसेजेस के बारे में जानता तक नहीं पापा। आखिरकार ये मेरे प्यार को धोखे से कैसे जीत सकता है पापा? अनु, शादी से पहले ऐसे कंफ्यूजन्स कॉमन है बेटी। नो पापा, इसने मुझे चीट किया है। अनु, मेरी बात सुनो अनु, ये चीट नहीं कर सकता है, मैं ही तो लेकर आया था ना। आप लेकर आए थे ना इसे? तो फिर ये वो नहीं है, ये आपको अब ये वो नहीं है, आप जानते थे ना। हाँ, पापा। नहीं अनु, मतलब आपने मुझे इतने दिनों से चीट किया अनु, पापा। अनु, मेरी बात तो सुनो। अनु, कालती कल तुलिया एक ही है, आज मैं अनन्या को बता दूंगा। ए, कहाँ है तू? हमारे पास रहकर हमसे प्यार करके हमारी जिम्मेदारी लेने वाला पापा के बाद अगर कोई होता है तो वो सिर्फ पति होता है और वो कार्तिक नहीं है। अनु, अनु, अनन्या, मुझे जाने दो। प्लीज। मेरे खुद के पापा ने मुझे धोखा दिया। मेरे पापा ने मुझे धोखा दिया। मुझे जाने दो। प्लीज अनु, अरे साइक्लोन भी स्टार्ट हो चुका है। ओह गॉड, शी इज इन डेंजर, आई एम टेलिंग यू। मेरी बेटी। मैन, देयर इज नो फ्यूल। अरे प्लीज वेट। अनु, समंदर मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें अपने हर गम हर खुशी के बारे में बताया है और सिर्फ तुम्ही से शेयर किया है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि काश माँ मेरे पास होती। अब तुम्हें बताओ मेरे दोस्त, अब मैं क्या करूं? अनन्या,
आई एम सॉरी अंकल, अनन्या की फिक्र मुझे यहां तक ले आई, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पापा मुझे वो चाहिए पापा, प्लीज उसे रोक लीजिए पापा। ये कैसी फीलिंग है ये नहीं समझ पा रही हूँ। कोई ऐसा स्पर्श जो दिल को छू कर जा रहा है। परिचय होते हुए भी कुछ नया सा लग रहा है मुझे पापा। आखिर इससे ऐसी क्या अटैचमेंट है पापा? लग रहा है जैसे इससे मेरा कितने जन्मों का नाता है। वो मुझे सच्चे मन से जीतना चाहता था पापा। आप जानते हैं उसने मेरे लिए कितना इंतजार किया। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं रहा पापा, तो मुझे वही पुराना 20 साल वाला अकेलापन महसूस होगा पापा। प्लीज मान जाइए पापा, प्लीज। वो तुम्हें छोड़कर कहां जाएगा बेटी? इतने दिनों से तुम्हें ना दिखाई देकर प्यार करने वाला, आज तुम जिस सूर्या को मांग रही हो वो दोनों एक ही हैं बेटी। हा? जानती हो तुम उससे आज से प्यार नहीं कर रही हो, जब से तुमने होश संभाला है तब से कर रही हो। वाइजैक में उसके लिए मैंने तुम्हें प्यार में तड़पते देखा है। एक पिता के नाते ये तुम्हारे लिए सही नहीं है सोचा था, इसीलिए मैंने तुम्हारे ब्रेन से उसे डिलीट कर दिया था। डिलीट किया हुआ प्यार पेन ड्राइव में रहते हुए भी तुम्हारे दिल में प्यार जगाने के लिए उसकी तड़प और मेहनत उसकी आंखों में मैंने देखा। एक पिता होते हुए भी तुम्हारे दिल में उसका प्यार देखकर मैं हार गया बेटी। अपनी प्रेमिका को मुसीबत में देखकर वो उसे नहीं मिलेगी ये जानते हुए भी, अपनी जान की परवाह न करते हुए भी उसने तुम्हें बचाया। उसी वक्त मेरे अंदर का सारा अहंकार मर गया। तुम्हारे प्यार को और मेरे मन को जीतकर सूर्या जा रहा है, उसे रोक लो बेटी। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। पापा, इसकी मेमोरी को डिलीट कर दिया है क्या? हाहाहाहा